देश रहेगा मनमोहन सिंह का कर्जदार। नितिन गडकरी ने क्यों दिया ऐसा बयान? पूर्व पीएम की किस नीति से खुश हैं गडकरी? कांग्रेस नेता और पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की तारीफ मौजूदा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने की है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की तारीफ करते हुए कहा कि आर्थिक सुधारों के लिए भारत उनका कर्जदार रहेगा। दरअसल सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इसी कार्यक्रम में नितिन गडकरी ने कहा कि भारत को एक ऐसी आर्थिक नीति की जरूरत है जो उदार हो और गरीबों के लिए भी फायदेमंद हो। इस दौरान नितिन गडकरी ने कहा कि साल 1991 में मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, उन्होंने जो आर्थिक सुधार शुरू की थी उसने भारत को एक नई दिशा दिखाई। नितिन गडकरी ने अपने संबोधन में कहा कि उदार आर्थिक नीतियों के चलते भारत को एक नई दिशा मिली, इसके लिए समूचा देश मनमोहन सिंह का ऋणी है। नितिन गडकरी ने यह भी कहा कि 90 के दशक में वो महाराष्ट्र के मंत्री थे, वो सड़क बनाने के लिए धन जुटाने में सफल रहे, ये पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के आर्थिक सुधारों के चलते संभव हुआ। उदार आर्थिक नीति किसानों और गरीबों के लिए है। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने चीन का भी जिक्र किया। नितिन गडकरी ने कहा कि चीन उदाहरण है कि कैसे उदार आर्थिक नीति किसी भी देश के विकास में मदद करती है। आर्थिक विकास को गति देने के लिए भारत को ज्यादा पूंजी के निवेश की जरूरत है। दरअसल नितिन गडकरी की पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की तारीफ बीजेपी के लिए असमंजस जरूर हो सकती है, क्योंकि बीजेपी नेता अक्सर मनमोहन सिंह और कांग्रेस की नीतियों पर सवाल उठाते रहते हैं। बीजेपी नेताओं के मुताबिक 2024 में पीएम मोदी के सरकार में आने के बाद देश की आर्थिक सुधारों को एक नई गति मिली, देश आर्थिक विकास की नई ऊंचाइयां छू रहा है। इसी बीच नितिन गडकरी ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की तारीफ कर दी। बता दें कि नितिन गडकरी पहले भी ऐसे कई बयान दे चुके हैं जो बीजेपी आला कमान के लिए परेशानी का सबब बन चुके हैं। एक बार नितिन गडकरी ने कहा था कि महात्मा गांधी के समय राजनीति देश समाज के लिए थी, अब सिर्फ सत्ता के लिए होती है। इसी तरह नितिन गडकरी ने एक बार कहा था कि सपने दिखाने वाले नेता लोगों को अच्छे लगते हैं, अगर दिखाए गए सपने पूरे नहीं किए जाते हैं तो जनता उनकी पिटाई भी करती है। इसी तरह नितिन गडकरी ने एक बार कहा था कि आरक्षण देने से क्या होगा जब नौकरियां ही नहीं है। अगर नितिन गडकरी की बात करें तो वो बेवाक बयान और अपने काम करने के तरीके के लिए प्रसिद्ध हैं। नितिन गडकरी ने बीजेपी के अध्यक्ष का पद भी संभाला है, उन्होंने करीब 20 साल तक राजनीति की है। केंद्रीय मंत्री से पहले नितिन गडकरी महाराष्ट्र के मंत्री भी रह चुके हैं। बड़ी बात यह है कि कुछ समय पहले बीजेपी ने संसदीय बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति से नितिन गडकरी को बाहर का रास्ता दिखा दिया था। इस पर पार्टी की तरफ से कोई बड़ा बयान नहीं आया था। इन सब के बीच एक बार फिर से नितिन गडकरी ने बेबाक बयान दे दिया है। इस बार नितिन गडकरी ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की तारीफ की और कहा कि उनकी आर्थिक उदार नीति से देश को काफी फायदा मिला है, इसके लिए देश मनमोहन सिंह का हमेशा कर्जदार रहेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।